वेल फ्रेंड्स, अगर मुझे आज के टाइम में किसी बैंक को नंबर वन पे रखना पड़ेगा जो अपने टर्म्स एंड कंडीशन में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस कर रही है, तो यहाँ पर मैं एक्सिस बैंक को नंबर वन पे रखना चाहूंगा, क्योंकि एक्सिस बैंक जो है हमेशा कुछ ना कुछ अपने टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज करती ही रहती है। अभी हाल ही में इन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए थे, उसके बाद फिर से यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस हुए हैं, कुछ चार्जेस को इंक्रीज किए गए हैं, कुछ कैशबैक्स में कमी की गई है, तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जिसके बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ढूंढकर बनाने के लिए। तो आप सभी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो वीडियो को शुरुआत करें सबसे पहले उस इम्पोर्टेंट अपडेट से, जिस अपडेट को सुनकर बहुत लोगों का दिल टूटने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक्सिस बैंक के एस क्रेडिट कार्ड के बारे में। आप में से मैक्सिमम लोग जो है एक्सिस बैंक के एस क्रेडिट कार्ड इसलिए यूज करते होंगे क्योंकि वहां पर आपको भर भर के कैशबैक मिलते हैं। आप सभी को पता ही होगा कि एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड अगर आप गूगल पे पर यूज करते हैं तो आपको 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है। इनके प्रेफर्ड जो मर्चेंट पार्टनर्स है वहां पर स्पेंड करने पर आपको 4% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है। उसके अलावा अदर कैटेगरी में आप स्पेंड करते हो तो आपको 2% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है। लेकिन अब यहां पर कुछ कैटेगरी में आपको स्पेंड करने पर पहले कैशबैक मिलते थे, उन कैटेगरी में भी अगर आप स्पेंड करते हो तो अब आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। कौन से कैटेगरी है चलिए ये मैं आपको बता देता हूं कि किस कैटेगरी में स्पेंड करने पर अब आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। सो हमारे पास न्यू वाला पीडीएफ आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आप बिल पेमेंट्स वगैरह करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, एलपीजी एंड ब्रॉडबैंड, डीटीएच, मोबाइल रिचार्ज थ्रू गूगल पे करते हैं तो आपको 5% का कैशबैक मिलता है। स्विगी, जोमेटो, ओला जो और भी इसके कुछ पार्टनर मर्चेंट है जहां पर आप स्पेंड करते हो तो आपको 4% का कैशबैक मिलता है। ऑल अदर जितने भी मर्चेंट्स है वहां पर आप स्पेंड करते हैं तो आपको 2% का कैशबैक मिलता है। लेकिन जो कैटेगरी है, जिन कैटेगरी में आपको स्पेंड करने पर अब आपको कैशबैक नहीं मिलेगा, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। नंबर वन है फ्यूल स्पेंड। अगर आप फ्यूल पे स्पेंड करते हो तो आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। ईएमआई ट्रांजेक्शन करते हो तो भी आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। कन्वर्ट टू ईएमआई पोस्ट फैक्टो कर देते हैं तो उसके लिए भी आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। वॉलेट रिचार्ज करते हैं, कैश एडवांसेस यानी एटीएम से विड्रॉ करते हैं तब भी आपको उसके लिए कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। नेक्स्ट यहां पर जो दिया गया है रेंट पेमेंट। आप में से मैक्सिमम लोग जो है एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड का यूज करते थे रेंट पेमेंट के लिए तो उसके लिए भी अब आपको कैशबैक नहीं मिलता है। उसके अलावा अगर आप एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड का यूज करके गोल्ड या ज्वेलरी आइटम परचेस करते हैं तो अब आपको उसके लिए भी कैशबैक नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एक और जो है काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इससे इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते थे, लाइक LIC का हो गया, रिलायंस का हो गया, बहुत सारे ऐसे जो इंश्योरेंस पेमेंट्स थे वो जो है एक्सिस बैंक के एस क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर देते थे, लेकिन अगर अब आप करते हैं तो आपको उसके लिए जो कैशबैक मिलता था नहीं मिलेगा। उसके अलावा आउटस्टैंडिंग बैलेंस को पे करते हैं तो उसके लिए भी आपको नहीं मिलता है। कार्ड फीस वगैरह या कार्ड के चार्जेस वगैरह अगर आप पे करते हैं एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड की हेल्प से तो उसके लिए भी आपको कैशबैक नहीं मिलता है। जिसमें से हम इंपॉर्टेंट तीन स्पेंड की बात करें तो रेंट पेमेंट, गोल्ड ज्वेलरी आइटम परचेस और इंश्योरेंस पेमेंट है। तो अगर आपकी ज्यादा स्पेंड इन सब कैटेगरी में होती है तो अब आप एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड का ना यूज करके बल्कि इसके अलावा दूसरे किसी क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। रेंट पेमेंट की बात करें तो रेंट पेमेंट में तो अब आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड में कैशबैक नहीं मिलने वाला है, लेकिन इंश्योरेंस बिल पेमेंट करते हैं या आप गोल्ड ज्वेलरी परचेस करते हैं तो उसके लिए आप चाहो तो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड या एक्सिस बैंक का अदर क्रेडिट कार्ड हो गया, फ्री रिचार्ज क्रेडिट कार्ड, ऐसे क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं कैशबैक पाने के लिए। अब बात करें नेक्स्ट अपडेट की तो नेक्स्ट अपडेट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए जिनकी इनकम कम है और खर्चे थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। तो यहां पर अब आपको सावधान हो जाना है क्योंकि अगर आप एक्सिस बैंक के किसी भी क्रेडिट कार्ड का यूज करके स्पेंड करते हो और उसकी अगर आप टाइमली रीपेमेंट नहीं करते हो तो आपसे लेट पेमेंट चार्जेस बहुत ही हैवी लिए जाएंगे। कितने लिए जाएंगे चलिए मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। अगर आपकी स्पेंडिंग पहले के अगर हम बात करें कि अगर आपकी स्पेंडिंग 300 रुपए तक होती थी तो आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता था। 301 से 500 के बीच में अगर आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू होती थी तो पहले आपसे 100 रुपए का चार्ज लिया जाता था। उसके अलावा 501 से 10,000 के बीच में आपकी ट्रांजेक्शन है तो पहले आपसे 500 रुपए का चार्ज लिया जाता था। 10,001 से 25,000 के बीच में आपकी ट्रांजेक्शन होती है तो आपसे 750 रुपए का चार्ज लिया जाता था। और 25,000 से ऊपर की आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू होती थी उसको अगर आप टाइमली रीपे नहीं कर पाते थे तब आपसे 1,000 रुपए तक का चार्ज लिया जाता था। मैक्सिमम यहाँ पर 1,000 रुपए था, लेकिन अब यहाँ पर देख सकते हैं जो 10 सितंबर 2022 से लागू होने वाला है कि अगर आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू 500 रुपए तक है
तो आपको छूट मिल रही है, आपको कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है, लेट पेमेंट चार्जेस आपको नहीं देने होंगे। लेकिन आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू 501 रुपए से लेकर 5000 के बीच में है तो आपसे 500 रुपए लेवी किए जाएंगे अगर आप एक दिन भी लेट हो जाते हैं तो। और 5000 एक से 10000 के बीच में आपकी ट्रांजेक्शन है तो आपसे 750 रुपए का चार्जेस लिया जाएगा। और अगर आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू 10000 से प्लस हो जाती है और आप एक दिन भी लेट हो जाते हैं तो अब आपसे 1200 रुपए तक का चार्जेस लिया जाएगा। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर सावधान होने की जरूरत है। अगर आप अपने एक्सिस बैंक या क्रेडिट कार्ड का यूज करके ज्यादा स्पेंडिंग कर लेते हैं और आप टाइमली बिल पे नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर आपके पास में एक ही ऑप्शन अवेलेबल है कि या तो आप खर्च कम कर दीजिए या फिर आप टाइमली बिल पे कीजिए, जो भी इसका ड्यू डेट है उस डेट से पहले आप इसका बिल पे कर दीजिए। एक और ऑप्शन आपके पास बचता है जो जिससे आप लेट पेमेंट चार्जेस से बच सकते हैं, वो है मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करके। क्योंकि आपको पता होगा कि बिल जो है आपका जब जनरेट होता है तो उसमें एक फुल अमाउंट होता है और एक मिनिमम ड्यू अमाउंट होता है। तो किसी कारण से अगर आपके पास में फुल अमाउंट नहीं होता है तो आप मिनिमम ड्यू अमाउंट जरूर से पे कीजिएगा। जरूरी नहीं है जितना अमाउंट वहां पर बताया गया है उतना ही पे करें, उससे ज्यादा भी आप पे कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जितना अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग बच जाएगा सिर्फ उसी के ऊपर ही आपको इंटरेस्ट लगेगा जो कि कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आपके नेक्स्ट बिल में। तो इस तरह से आप लेट पेमेंट चार्जेस से बच सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं जो कि है रिवॉर्ड रिडेम्पशन को लेकर। अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, डेबिट कार्ड का यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि एक्सिस बैंक आपको रिवॉर्ड भी देती है। तो उस रिवॉर्ड पॉइंट को अगर आप रिडीम करते हैं तो आपको अब कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अगर आपका रिवॉर्ड पॉइंट जो है 300 से कम है तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना है विड्रॉ करने के लिए, यानी उसको ट्रांसफर करने के लिए। अगर आपका रिवॉर्ड पॉइंट जो है 300 से 10000 के बीच में है तो आपको 49 रुपीज का चार्जेस पे करना पड़ेगा। और यदि आपका रिवॉर्ड पॉइंट्स 10000 से ज्यादा है तो आपको पर 10000 से ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करने के लिए 99 रुपीज का जो चार्जेस है पे करना पड़ेगा। इसमें से कुछ क्रेडिट कार्ड को छूट भी मिली हुई है, जैसे कि सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक एटलस क्रेडिट कार्ड और भी कई सारे क्रेडिट कार्ड यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये वाले क्रेडिट कार्ड आपके पास में, ये वाले डेबिट कार्ड आपके पास में है तो आपको उनमें से अगर कोई भी रिवॉर्ड वगैरह मिलता है तो उनकी अगर आप रिवॉर्ड को रिडीम करते हो तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड सेक्टर में, जिसके बारे में मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए, इसलिए वीडियो बनाकर दे रहा हूं। और आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का दिल से थैंक्स। मैं मिलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।